केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 4 से स्कूली बच्चे को ले जा रही ई रिक्शा अचानक गांधी चौक समीप पलटी मार दी, जिससे उस ई रिक्शा पे सवार 8 बच्चे घायल हो गए। सभी को बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के लिए करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने बच्चों को पहुंचाया, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और बच्चे को इलाज कर छोड़ दिया गया है। मौके पर बोकारो जनरल अस्पताल में सेक्टर 4 थाना पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। उपस्थित अधिकारी ने बताया कि अभी सब बच्चे की स्थिति सामान्य है, इलाज करा के सभी को छोड़ दिया गया। आपको बताते चले कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहन प्राइवेट हो या स्कूल की हो, सीट की क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाते हैं। यह सब जानते हुए भी परिवहन अधिकारी व जिला प्रशासन मौन रहती है, उसी का अंजाम आज की दुर्घटना है।